स्टूडेंट्स, आई एम निम्रा आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। आज लेक्चर नंबर 4 है। आज हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। बोर्ड में कुछ टॉपिक्स जो हैं हमारे वो स्किप हो गए हैं, ठीक है, जो हमारे बोर्ड में चैप्टर्स इस चैप्टर के टॉपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं वो एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से है, ठीक है। तो आपने लेक्चर नंबर 4 से याद करना शुरू करना है। एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है एनालॉग क्वांटिटीज क्या है। द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज वेरी कॉन्टिन्यूसली, ऐसी क्वांटिटीज, ठीक है, जिनकी वैल्यूज कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही हैं, वेरी हो रही हैं, उन क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं एनालॉग क्वांटिटीज का। एग्जाम्पल देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एयर, एयर का जो टेम्परेचर है, वेरीज इन अ कॉन्टिन्यूस फैशन ड्यूरिंग 24 आवर्स ऑफ डे, ठीक है। अगर आप देखें 24 घंटे में टेम्परेचर जो है वो मुसलसल चेंज हो रहा है। सुबह के टाइम टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, उसके बाद दोपहर में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, पीक पर आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाता है, रात तक टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब पूरे 24 घंटे में, पूरे दिन में टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है। तो ऐसी क्वान्टिटीज को हम नाम देंगे एनालॉग क्वान्टिटीज का। इसी तरह से टेम्परेचर टाइम देख लें, प्रेशर है, डिस्टेंस है, ठीक है, ये भी क्या है, एनालॉग क्वांटिटीज हैं, क्योंकि ये इनकी वैल्यूज भी क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। डिजिटल क्वांटिटीज क्या है। द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज वेरी इन नॉन कॉन्टिन्यूस मैनर, ठीक है। एनालॉग क्वांटिटीज में वैल्यूज जो चेंज हो रही थी वो कॉन्टिन्यूस मैनर में चेंज हो रही थी, ठीक है, लेकिन डिजिटल क्वांटिटीज में क्या होगा, वैल्यूज नॉन कॉन्टिन्यूस मैनर में चेंज होंगे। कभी तो वैल्यूज बहुत ज़्यादा हाई चली जाएंगी, कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाएंगे, बाद ऐसा होगा कि वैल्यूज जो है वो चेंज ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो नॉन कॉन्टिन्यूस मैनर में चेंज हो रही हों, तो उन क्वांटिटीज को हम नाम देंगे डिजिटल क्वांटिटीज का। डिजिटल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, हम इन्हें डिजिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और नंबर्स या फिर नंबर्स की फॉर्म में, सच एज 0 और 1, ठीक है। डिजिटल क्वांटिटीज में हम दो ही नंबर्स को यूज़ करते हैं, इनको बाइनरी नंबर्स का भी नाम देते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में, जो कि आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन्हें डिस्कस करेंगे। बाइनरी नंबर्स क्या हैं, बुलियन अलजेब्रा भी कहते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। पहले हमने एनालॉग क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ डील करते हैं, एनालॉग क्वांटिटीज को डील करते हैं, ठीक है, उनको स्टडी करते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक्स को हम नाम देंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद द एनालॉग क्वांटिटीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम एनालॉग क्वांटिटीज को डील करेंगे उसको हम नाम देंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। एग्जांपल देख लें, रेडियो हो गया, ठीक है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्या है कि उसमें एक माइक्रोफोन होगा जिसमें हम बोलते हैं, माइक में हम बोलते हैं ताकि इर्द गिर्द के जो बहुत सारे लोग हैं उन सबके पास आवाज़ पहुँच जाए। उसके साथ हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई लगा देते हैं, ठीक है, जो कि साउंड को एम्पलीफाई कर देते हैं। नेक्स्ट है जी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद डिजिटल क्वांटिटीज, इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम डिजिटल क्वांटिटीज को डील करेंगे वो कहलाएंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम एनालॉग क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे, एनालॉग क्वांटिटीज के साथ डील करेंगे, उनको हम नाम देंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। डिजिटल के एग्जाम्पल्स हैं, मॉडर्न टेलीफोन सिस्टम हो गया, ठीक है, और उसके साथ साथ रडार सिस्टम। अब आपको रडार सिस्टम के बारे में तो पता होगा, रडार सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस, डायरेक्शन या डिस्टेंस, स्पीड को किस चीज़ की, एयरक्राफ्ट की, ठीक है, और उसके साथ साथ शिप्स की और दूसरे ऑब्जेक्ट्स की, मतलब कि यहाँ से अगर कोई PIA का प्लेन जा रहा है, ठीक है, तो रडार की मदद से उसकी डायरेक्शन भी चेक करते रहते हैं और उसके साथ साथ डिस्टेंस भी चेक करते रहते हैं और किस स्पीड के साथ जा रहे हैं उस स्पीड को भी हम चेक करते हैं, ठीक है। एनालॉग डिवाइसेस क्या हैं। एनालॉग डिवाइसेस एग्जांपल हैं, ये कुछ एनालॉग डिवाइसेस की और डिजिटल डिवाइसेस की आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं बोर्ड में। पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो गया, रेडियोस हो गए हैं, टेलीविजन है, टेलीफोन्स हैं,
और वॉच वगैरह जो है ये सारे एग्जांपल्स किसकी हैं, एनालॉग डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं। डिजिटल डिवाइसेस की हम एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। डिजिटल डिवाइसेस में मॉडर्न टेलीफोन सिस्टम, रडार सिस्टम, ठीक है, इंडस्ट्रियल मशीन्स, कंट्रोलिंग डिवाइसेस। अब देखिए इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइसेस यूज की जाती हैं वो डिवाइसेस कौन सी होती हैं, डिजिटल डिवाइसेस होती हैं। कैलकुलेटर्स हो गए हैं, ये भी एक डिजिटल डिवाइस है, ठीक है। हाउस होल्ड अप्लाइंसेज हो गई हैं, वो भी डिजिटल डिवाइसेस हैं। और मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी डिजिटल डिवाइसेस हैं। एनालॉग सिग्नल क्या है? कॉन्टीन्यूसली वेरिंग सिग्नल, ठीक है। जैसा कि हमने एनालॉग क्वांटिटीज में डेफिनेशन पढ़ी थी, कैसे क्वांटिटीज जो कॉन्टीन्यूसली वेरी हो रही हैं वो क्या कहलाती हैं, एनालॉग क्वांटिटीज हैं। तो एनालॉग सिग्नल भी क्या हुआ, कॉन्टीन्यूसली वेरिंग सिग्नल जो होगा उसको हम नाम देंगे एनालॉग सिग्नल का, ठीक है। डिजिटल सिग्नल क्या होगा, अ सिग्नल दैट कैन हैव टू डिस्क्रीट वैल्यूज, ऐसे सिग्नल जिनकी क्या होंगे, सिर्फ दो ही डिस्क्रीट वैल्यू होंगे, ठीक है, उनको हम नाम देंगे डिजिटल सिग्नल्स का। पीछे हमने कहा था कि हम डिजिटल जो क्वांटिटीज हैं उसको जीरो और वन के फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम वोल्टेज देखें, वोल्टेज क्या हो सकती है, या तो मैक्सिमम हो सकती है या फिर मिनिमम हो सकती है। अगर हम किसी भी लाइट सोर्स की बात करते हैं, बल्ब की बात करते हैं, या तो वो ऑफ हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ऑन हो सकता है, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। यानी कि ऐसे सिग्नल्स जिनके सिर्फ क्या होंगी, दो डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी, उनको हम नाम देंगे डिजिटल सिग्नल्स का। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल वन। देखिए नाम से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। कन्वर्टर क्या है, एक ऐसा सर्किट है जो क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट कर दे, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दे, इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स। डिजिटल सिग्नल डिजिट्स के फॉर्म में होंगे ना, जीरो और वन के फॉर्म में, ठीक है। तो उसको सर्किट को हम नाम देंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का, या फिर हम क्या लिखते हैं, ADC, ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। ए से एनालॉग, डी से डिजिटल, और सी से क्या होगा, कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दें, उनको हम नाम देंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या है, दिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स विच कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग इज कॉल्ड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। नाम से जाहिर है कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो क्या करेंगे, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। ऐसे सर्किट्स जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दें, तो उन सर्किट्स को हम नाम देंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किसे कहते हैं, DAC। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ADC एंड DAC, ठीक है। या फिर आपसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी पूछ सकते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी पूछ सकते हैं। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। आज हमने कुछ बेसिक्स डेफिनेशन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बेसिक ऑपरेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।